हेलो जो, वेलकम टू बैक अवर यूट्यूब चैनल लटका चीज। तो कैसे आप सब? आशा करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे, समय समय पर अपनी वर्कशीट यानी कार्य पत्रिका को कंप्लीट कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास फर्स्ट की वर्कशीट नंबर 113 को डिस्कस। तो चलिए हम करते हैं फटाफट इसको डिस्कस। तो जिसकी डेट है हमारे पास 20 नवम्बर, हमारी इंग्लिश की वर्कशीट है। इसमें हम चैप्टर करने वाले हैं मिट्टू एंड द येलो मैंगो। ठीक है, इसमें यहाँ पे अपने अपना नेम लिखेंगे और यहाँ पे अपने टीचर का नेम लिखेंगे। तो एक बार हम रिवीजन वर्कशीट कर लेते हैं इसको। तो चलिए अब करते हैं वर्कशीट को स्टार्ट। लेकिन वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए अब हम करते हैं वर्कशीट को स्टार्ट। टुडे लेट्स टेल द स्टोरी ऑफ मिट्टू एंड द येलो मैंगो बाय आंसरिंग सम क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम इसके कुछ क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। तो फटाफट कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द कलर्स नेम एंड कलर्स द पॉक्सिक एक्टिविटी। ठीक है, तो हमें बताना है कि मिट्टू द पैरेट वाज, मिट्टू जो पैरेट था वो कौन से कलर का था? ग्रीन कलर का था। ठीक है, सो मैंने यहाँ ग्रीन लिख दिया और यहाँ पे ग्रीन कलर को फिल कर दिया। ठीक है, सो आप यहाँ पे ग्रीन कलर फिल करेंगे और यहाँ ग्रीन लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा इट हैड अ रेड बीक। तो बीक मतलब क्या होता है? बीक मतलब होता है चोच। हमने पढ़ा था बीक मतलब होता है चोच। तो चोच उसकी कौन से कलर की थी? रेड कलर की थी। सो मैंने यहाँ रेड लिख दिया और रेड कलर को फिल कर दिया। मैंगो ऑन अ ट्री वाज येलो। ठीक है, मैंगो कौन से कलर का था? येलो कलर का था ट्री पे। सो यहाँ पे येलो कलर मैंने लिख दिया और यहाँ पे फिल कर दिया येलो कलर। ठीक है, मिट्टू से आर रेड बैलून। मिट्टू ने कौन से कलर का बैलून देखा था? रेड कलर का। ठीक है, और यहाँ पे मैंने रेड कलर फिल कर दिया। द क्रो वाज ब्लैक। क्रो कौन से कलर का था? ब्लैक कलर का था। यहाँ ब्लैक लिख दिया और यहाँ फिल कर दिया। होगी हमारी फर्स्ट एक्टिविटी। अब देखो हमारी सेकेंड एक्टिविटी क्या है। सेकेंड एक्टिविटी है लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो, नाउ ट्राई द टू नंबर द पिक्चर्स अकॉर्डिंग टू द सिक्वेंस ऑफ द इवेंट्स ऑफ द स्टोरी ऑन हिज बीन डन फॉर यू। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारी स्टोरी हुई थी हमें वैसे वैसे करना। जैसे कि फर्स्ट में आपका क्या हुआ था कि मतलब पैरेट उड़ रहा था तो उसने देखा मैंगो को तो उसकी तरफ गया। सेकेंड इनमें से क्या है? सेकेंड ये है कि जब वो पेड़ पे जा रहा था तो क्रो ने उसे डांट लगाई और फिर उसे वापस से उड़ के जाना पड़ा। फिर थर्ड क्या है? थर्ड ये है कि जब वो उड़ते उड़ते आ रहा था तो उसने पेड़ के नीचे बैलून देखा, रेड बैलून। फिर फोर्थ क्या है? ये वो बैलून को पकड़ के लेके जाता है पैरेट के क्रो के पास। फिर फिफ्थ ये है और क्रो के पास फोड़ देता है तो क्रो डर के उड़ जाता है और वो खुशी खुशी मैंगो को खा लेता है। देखो 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गए हमारे 6। तो ये थी आपकी छोटी सी वर्कशीट। आपको वर्कशीट कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।